अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? इस प्लेनेट पे आते ही मेरी सारी पावर चली कैसे गई? मैं कुछ ज्यादा स्पीड में नीचे जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जोर से टकराऊंगा। ये सब कैसे हो सकता है? मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? आउच, आउच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चा कौन है। तो इसका नाम है कैकरॉट, जो कि यहाँ पर आया था अर्थ प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर ये इतनी जोर से अपने सर के बल टकराता है कि इसकी सारी याददाश्त ही चली जाती है। अब इसे कुछ भी याद नहीं। वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरे खेतों की फसलों को पानी मिल जाएगा। एक मिनट, वो क्या है सामने? ऐसा लग रहा है कोई मरा पड़ा है। ये तो एक बच्चा है और इसके पीछे तो पूछ है। मुझे लगता नहीं ये इस प्लेनेट का होगा। इसकी सांसें तो अभी भी चल रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले जाता हूँ। उस बच्चे को बेहोश देखकर उस बूढ़े आदमी ने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया ताकि उसे ठीक कर सके। चलो फाइनली मैं अपने घर पर पहुँच गया हूँ। बस कैसे भी इस बच्चे को होश आ जाए, फिर मैं इससे पूछ लूंगा कि ये कहाँ से आया है और इसे वापस भेज दूंगा। पर तब तक मेरी जिम्मेदारी है कि इसका ध्यान रखूं, वरना ये मर जाएगा। चलो अब ये यहाँ पर आराम करता रहेगा, मुझे तो और भी बहुत सारे काम है। जाकर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट देता हूँ, आग जलाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, वरना मेरा बूढ़ा शरीर ठंड के मारे ही सिकुड़ जाएगा। ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? मेरे साथ क्या हुआ था? कोई है यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाहर जाकर देखता हूँ, कोई यहाँ पर रहता है? मुझे मदद की जरूरत है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप कौन है और आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अरे बेटा, वो तो तुमको पता होगा ना, मैंने तो तुम्हें नदी के पास बेहोश देखा था, तो तुम्हें यहाँ पर ले आया। मैं और नदी के पास था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं यहाँ पर नया हूँ, मैंने तो ये सारी चीजें पहली बार देखी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना सीखना है तो लड़ना सीखना होगा, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना सीखना होगा, क्योंकि कब कौन सी मुसीबत आ जाए मुझे पता नहीं और ना ही तुम्हें पता है, और हर बार तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। जी मास्टर, अब जैसा कहे। तुमने तो मुझे मास्टर ही कह दिया। अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। चलो अब आ जाओ मेरे पीछे, हम आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? ये क्या बोल रहे हो बेटा, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा एक नया नाम रख देते हैं, तुम्हें हम आज से गोकू बुलाएंगे। गोकू, ये नाम मुझे पसंद आया। चलो अब मेरी बात सुनो, हम ट्रेनिंग की शुरुआत यही से करेंगे, तुम्हें ढेर सारी एक्सरसाइज करनी होगी। अच्छा ठीक है, तो शुरू हो जाओ। तो ऐसे कैकरॉट का नाम पड़ा गोकू, और मास्टर ने उसे बहुत सारी ट्रेनिंग दी जिससे वो खुद का ध्यान रख सके। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, मुझे लगा नहीं था तुम इतना कर पाओगे, पक्का तुम में बहुत ज्यादा ताकत है। चलो ये तो हो गया, अब आगे की एक्सरसाइज करो। अच्छा ठीक है। एक, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मेरा पेट दुखने आ गया। अब तो बहुत कुछ दुखेगा, तुम बस लगे रहो, ऐसा तुम्हें रोज करना होगा ताकि तुम जल्दी सब कुछ सीख जाओ। ठीक है मास्टर, ये तो हो गया, अब मुझे आगे क्या करना होगा? आगे हम करेंगे मेडिटेट, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। हम इसे पानी के अंदर करेंगे ताकि हमें आसपास का शोर शराबा सुनाई ना दे। मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना मास्टर? हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही अपना ध्यान बनाए रखो, इससे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब बहुत ही अच्छे हो। मास्टर गोकू को रात दिन मेहनत करवाते ही रहे, उससे एक्सरसाइज करवाई, मेडिटेट करवाया, गोकू बहुत कुछ सीख चुका था। पर क्या गोकू अभी भी उतना तैयार है कि अपनी आने वाली मुसीबतों से लड़ सके? चलिए देखते हैं आगे। वह आज का दिन तो कितना सुहाना है, और मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। जल्दी से जाके मास्टर को मिलता हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, उन्हें बोलूंगा तो वो मुझे कुछ बना कर देंगे। मास्टर मैं आ चुका हूँ, आप कहाँ पर हो? अरे ये क्या हो गया मास्टर को? ये किसने किया होगा? इनकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। मास्टर प्लीज उठ जाइए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो हिल भी नहीं रहे हैं, ऐसा किसने किया होगा? मेरा तो इनके सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब मैं किसके साथ रहूंगा? मुझे तो अकेले रहने की आदत भी नहीं है। प्लीज मास्टर उठ जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। प्लीज, मैं मास्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे इनका अंतिम संस्कार करना होगा। ये आखिरी बार होगा जब मैं मास्टर को देख रहा हूँ, इसके आगे की जिंदगी मुझे अकेले ही काटनी है। अब मास्टर की उम्र हो चुकी थी और वो गुजर गए थे, और गोकू भी एक बात समझ चुका था कि हमेशा उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। क्या मास्टर के जाने के बाद भी गोकू उनकी बातों को याद रखेगा? वो खुद को उतना मजबूत बना पाएगा कि दुनिया से लड़ सके? क्योंकि अभी भी बहुत सारी मुसीबतें हैं जो उसकी तरफ
तरफ तेजी से बढ़ रही है। मैं मास्टर की कही हुई बातों को हमेशा याद रखूंगा और उनकी दिखाई हुई राह पर चलूंगा। उन्होंने मेरी मदद की थी, मैं लोगों की करूंगा। फ्रीजा, क्या तुम तैयार हो? हमने एक जन को भेजा था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर उसने वो काम नहीं किया। उसे इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। तुम अर्थ पर जाओगे और उसे खत्म कर दोगे, साथ ही में उस प्लेनेट को भी। जैसा तुम कहो बू, वो हमारे किसी काम का नहीं निकला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारी वो हालत करने में जो तुम उस बच्चे की करना चाहते हो। ऐसा कुछ करने की नौबत आएगी नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे। अब मैं चलता हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या कैरोट, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमें धोखा देने की सजा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। गोकू बचपन से अभी तक वही करते आ रहा था जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिससे उसे पता चले कि उसके अंदर कितनी पावर है, और ना ही उसे ये पता था कि कौन सी मुसीबत उसकी तरफ आ रही है। अब आगे जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आखिरकार मैं अर्थ पर पहुंच गया हूँ, अब बस मुझे कैकरोट को ढूंढना है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो यही कहीं पर है। वो रहा, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो नहीं बचेगा। कैकरोट, मैं आ चुका हूँ। ये सब अभी रोक दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। आज तुम्हारे मरने का दिन है। तुम्हें मैं याद भी हूँ या नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मरने वाला है उसके ये सब क्या काम का। पर तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, और तुम मुझे मारने की बात क्यों कर रहे हो? हमारा तो कुछ लेना देना भी नहीं है, न ही कोई दुश्मनी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। हमने तुम्हें धरती पर भेजा था ताकि तुम इस प्लेनेट को बर्बाद कर सको, पर तुम तो यहाँ आके यही के हो गए। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं इसे बर्बाद क्यों करूंगा? तुम मुझे पागल बनाना बंद करो ना। मैं तुम्हें जानता हूँ, ना ही तुम्हारी कही हुई बातों को। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। ये लो कैकरोट। ये तू मुझे मार रहा है। और हाँ, मेरा नाम कैकरोट नहीं गोकू है। तुम्हारा नाम कैकरोट ही है। मैंने कहा अभी रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। ये लो और ये खाओ। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे मारने आए हो, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ना ये काम मैं करूंगा, ना ही तुम्हें करने दूंगा। तुमसे किसने कहा कि तुम ये काम करोगे? अब वो टाइम जा चुका है, ये काम मैं करूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्यों खुद को तसल्ली दे रहे हो? तुमने आज तक मेरे जैसे किसी से भी लड़ाई नहीं की होगी। मैं तुम्हें एक और मौका दिलवा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें खुद इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा और साबित करना होगा कि तुम धोखा नहीं दोगे। तुम मुझसे ये सब कह भी क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। फिर तो समझ लो, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, या तो ये मुझे मार देगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं इसे मार दूं। ये लो, तुम जैसे लोगों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तुम तो गए मेरे हाथ से, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता। दुखेगा तो तुम्हारा, वो भी सब कुछ जब मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। ये लो, इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे इसी दिन के लिए ट्रेनिंग दी थी, और आज वो दिन आ चुका है। मैं उन्हें साबित करके रहूंगा कि मैं यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, कहाँ पर गया? अभी तो यही पर था, कहीं भाग तो नहीं गया। ये रहा वो। चलो, आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी है, और ये कह रहा है कि ये मुझे ढूंढने आया था। मतलब इसके जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो इस धरती को तबाह कर सकते हैं। अब से मेरा बस एक ही काम है, यहाँ के लोगों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना। उसके लिए भले मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं वो सब करूंगा जो मुझे करने की जरूरत है। और उसके रास्ते में जो भी आया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब तो मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। पहली बार मैंने ऐसी फाइट की है और मुझे खरोंच तक नहीं आई। फ्रीजा और गोकू की लड़ाई के बाद गोकू को अपनी ताकतें महसूस होने लगी थी। उसे पता लगने लगा था कि वो बाकियों से बहुत अलग है। उसने अपने पावरों का मिसयूज नहीं किया, वो उन्हें अच्छे कामों के लिए यूज करता था, जैसे कि इस देश का क्राइम मिटाना, लोगों की मदद करना, क्रिमिनल्स को मारना वगैरह वगैरह। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पर एक माफिया डील होने वाली है। मुझे उन सबको सबक सिखाना होगा, वो लोग देश के लिए खतरा है। जल्दी जल्दी जाता हूँ, वो लोग यही कहीं पर होने चाहिए। एक मिनट, मुझे यहाँ से किसी की तो आवाज आ रही है। आवाज तो वहाँ सामने से आ रही है। थोड़ा और नजदीक जाकर देखता हूँ। मुझे पता करना ही होगा कि यहाँ पर आखिर में चल क्या रहा है। मुझे लगता है वो लोग यही कहीं पर ऊपर है। आवाज तो इस छत से आ रही है, वो लोग वही पर होने चाहिए। मुझे कैसे भी करके इनको रोकना होगा। जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ने का कोई तो रास्ता होगा, मुझे बस उसे ढूंढना है। कहीं आगे से तो नहीं, ये दरवाजा तो बंद है। यहाँ से होकर जाता हूँ। अरे नहीं, ये क्या, यहाँ पर तो सीढ़ी नहीं है। मैं ऊपर चढ़ूंगा कैसे? एक काम करता हूँ, इस वाली शॉप के ऊपर से जाता हूँ। यहाँ कोई ना कोई सीढ़ी होगी पक्की। वो रही सीढ़ी, चलो आखिरकार मुझे मिल ही गई। यहाँ से होकर मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। जल्दी
जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे, वो रहे गुंडे, ये तो सीधा मुझ पर फायर कर रहे हैं। यहाँ पर जाके छुपता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी अपनी गन निकालनी होगी और इन्हें सबक सिखाना होगा। ये लो, तुम कहाँ पर भाग रहे हो? यहाँ तो बहुत सारे हैं, इन्हें भी जल्दी जल्दी ठिकाने लगाना होगा। चलो ये भी गया, अब इसकी बारी है। मेरे पास यही मौका है, अभी भी कोई गोलियां चला रहा है। ये कहाँ से निकला? अभी तक छुपा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, इसे भी जल्दी से मारता हूँ। मुझे लगता है ये आखिरी वाला होगा। अरे नहीं, अभी भी एक बाकी है। और ये भी गया। मुझे लगता है मैंने सबको हरा दिया है। जल्दी से जाता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर तो दो जन और है। ये तो तलवार लेके मेरे पास आ रहा है। ये ले, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तीनों तो एक साथ में आ गए। मुझे जल्दी जल्दी सबको ठिकाने लगाना होगा। ये लो और ये खाओ। अरे बाप रे, तू तो गया। ये तो बाउंस हो गया। अब इसकी बारी है। क्या उड़ के गया है? इन्हें सबक सिखा के तो मुझे मजा ही आ गया। चलो आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। अब जल्दी से जाता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। गोकू अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता था, पर अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी मार्जिन बू बाकी है, जो फ्रीजा से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या गोकू इसका सामना कर पाएगा या फिर मार्जिन बू जीत जाएगा? फ्रीजा मेरे किसी काम का नहीं निकला। अब मुझे खुद को जाना होगा और अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा। इनके बस का कुछ भी नहीं है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। एक धोखेबाज निकला तो दूसरा कमजोर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैकरोट से कैसे हार गया। वो उससे ज्यादा ताकतवर था। कैकरोट में आ रहा हूँ, कहा जा सकता है वो? मुझे पावर महसूस हो रही है, वो मेरे नजदीक ही है। उसे नहीं पता होगा कि उसकी तरफ कौन आ रहा है। उसे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा के लिए याद रखेगा। सबसे पहले इस अर्थ को खत्म करता हूँ मैं, या चारों बाजू तबाही मचा दूंगा। तुम पृथ्वीवासी काफी कमजोर हो, हमारे सामने कुछ भी नहीं। अब ये लो, इन कमजोरों के सामने तो मैं और ज्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लग रहा है कि कहीं पर बम फट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। पक्का कोई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। आवाज तो यही कहीं से आ रही थी। वो कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी फ्रीजा बात कर रहा था? मुझे पता था कि तुम किसी दिन आओगे, पर इतना याद रखो कि वापस नहीं जा पाओगे। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मार के इस शहर को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को मिटा के जाने के लिए आया हूँ। तुम बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या करो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने तुम्हारे चमचे से भी कहा था कि मेरा नाम कैकरोट नहीं है, मेरा नाम गोकू है और मेरा तुम लोगों से कोई भी वास्ता नहीं। अब पड़ेगा, ये लो और ये खाओ। मैंने तुमसे कहा था तुमने गलती की है, पर मुझे लगता है कि गलती तुमने की मुझसे सामना करके। ये लो, आउट। तुम नहीं बचोगे, तुम्हें और तुम्हारे गुरूर दोनों को तोड़ दूंगा मैं, और तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम अर्थ की तबाही देख सको और अंदर ही अंदर मरो। मैंने तो फ्रीजा का भी सामना किया था, वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसमें कुछ ज्यादा ही ताकत है। मुझे कुछ और करना होगा, मुझे ध्यान लगाना होगा, मेरी जितनी पावर है मुझे यूज करनी होगी। मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ, मेरे बाल तो पीले हो गए। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी बात है तो ये लो और ये खाओ। इसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वैसे एक बार मौका मिल जाए फिर इसकी मैं बाट लगा दूंगा। ये लो और ये खाओ और ये लो, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने तो मुझे जमा दिया, पर कोई बात नहीं, मुझे कोई भी असर नहीं हुआ। ये तो कुछ ज्यादा स्पीड में भाग रहा है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, ना ही मार सकते हो, मेरी स्पीड तुमसे बहुत ज्यादा है। अच्छा तो ये लो। नहीं, अब तो तुम गए मेरे हाथ से। मैंने तुमसे कहा ना, ये सपने देखना बंद कर दो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने नहीं देने वाला। अगर तुम अभी चले जाओगे तो जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो फ्रीजा का हुआ था। अरे बाप रे, इसमें तो अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। ये लो। क्या हुआ, कुछ काम नहीं आया? अब आएगा, ये खाओ और ये लो। क्या हुआ, तुम्हारी तो हालत खराब लग रही है। अब तुम कभी भी किसी को परेशान नहीं कर पाओगे, ना ही कोई प्लेनेट तबाह कर पाओगे। आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया है। बुराई की हमेशा हार होती है, भले कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। गोकू ने तो अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।